रहीम, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 166। इसमें दिया हुआ है कि 8 मंथ ओल्ड बेबी आया है, उसको इसोफेजियल कैंडिडेसिस है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, एनिमोसिस्टिस कैरिनाई की इन्फेक्शन हुई है, उसका थायमस ग्लैंड भी डिमिनिश्ड है और जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी डिमिनिश्ड हुए हैं और कोई जर्मिनल सेंटर प्रेजेंट नहीं है लिम्फ नोड्स के अंदर। तो जो कॉज होगी वो थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पाउच का डिफेक्ट होगा। ये बेसिकली डी जॉर्ज सिंड्रोम का सिनेरियो है जिसमें थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पाउच हुआ डिफेक्टिव है। जो सेकंड फ्रेंजल आर्च के डेरिवेटिव होता है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस स्टाइलॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होता है। टेम्पोरल बोन का जो स्टाइलॉइड पार्ट होता है वो सेकंड फ्रेंजल आर्च का डेरिवेटिव होता है। तो सेकंड फ्रेंजल आर्च होती है वो रिचर्ड्स कार्टिलेज भी देती है, स्टेपीज देती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस देती है, लेसर हॉर्न ऑफ द हियोइड बोन देती है और स्टाइलोहियोइड लिगमेंट भी देती है। अब जो सेकेंड आर्च थी ना वो हम दे रही थी फेशियल नर्व, ठीक है। फिर सेकेंड आर्च होती है वो फेशियल नर्व देती है, सेकेंड आर्च से स्टाइलॉइड प्रोसेस डिराइव्ड होता है, सेकेंड आर्च जो होती है वो हियोइड बोन का लेसर हॉर्न बनाती है और जो सेकेंड आर्च थी वो रिचर्ड्स कार्टिलेज भी बना रही थी और जो सेकेंड आर्च होती है वो स्टाइलोहियोइड लिगमेंट भी बनाती है। स्टाइलोहियोइड लिगमेंट बनाएगी, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टाइलॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बनाती है और जो सेकेंड आर्च होती है वो पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक भी बनाती है, फेशियल नर्व बनाती है और साथ ही स्टेपीडियल आर्टरी बनाती है। स्टाइलोहियोइड लिगमेंट, स्टाइलोहियोइड मसल, स्टाइलॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन या स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन और जो लेसर हॉर्न होता है हियोइड बोन का, स्टेपीज और स्टाइलोहियोइड मसल, पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन और जो फेशियल नर्व होती है वो सेकेंड फ्रेंजल आर्च की ही डेरिवेटिव होती है। अब जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ना वो प्री मेच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर तो प्री मेच्योर बच्चा होगा तो उसके अंदर पीडिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वर्टिब्राज होते हैं वो सेक्लेरोटोम से डिराइव्ड होते हैं। जो सेक्लेरोटोम होते हैं ना वो वर्टिब्रा बनाते हैं, वर्टेबल कॉलम बनाते हैं, मीजेनकाइमल और एम्ब्रियोनल कनेक्टिव टिश्यू होता है, रिब केज बनाता है और ऑक्सिपिटल बोन का पार्ट भी बनाता है। जो डर्मोमायोटोम होते हैं वो स्केलेटन मसल बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं, टेंडन बनाते हैं और बैक की स्किन को बनाते हैं। जो डर्मो स्किन, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो ये स्किन बनाएंगे और मायोटोम का मतलब है कि मसल बनाएंगे। सेक्लेरोटोम होता है ना, ये सेक्लेरोटोम जो है हमारी वर्टिब्राज वगैरह बनाते हैं, वर्टेबल कॉलम बनाते हैं, मीजेनकाइमल एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, रिब केज बनाते हैं और ऑक्सिपिटल बोन का पार्ट बनाते हैं। जो लेफ्ट अम्ब्लाइकल आर्टरी होती है वो मीडियल अम्ब्लाइकल लिगमेंट बनाती है, जो लेफ्ट अम्ब्लाइकल आर्टरी होती है वो मीडियल अम्ब्लाइकल लिगमेंट बनाती है और जो अम्ब्लाइकल वेन होती है वो लिगमेंटम टीरीज बनाती है। अब एक बच्चा था, उसको हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन थी और वो मिकोनियम पास नहीं कर पा रहे और उसकी जो कॉलोन है वो ए गैंग्लियोनिक है, तो ये हर्शब्रंग डिजीज़ होगी। S2 से S4 इसको सप्लाई करता है। जो कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन होती है इसमें गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, एंटेरिक नर्वस प्लेक्सस भी लैक करते हैं, ऑर्बिक प्लेक्सस और मीजनस प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता है डिस्टल सेगमेंट ऑफ द कॉलोन के अंदर और इसमें जो क्या होता है कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिक ये कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन या फिर हर्शब्रंग डिजीज़ हो जाती है। गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं या एंटेरिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपका माया मीजनस प्लेक्सस आता है और ऑर्बिक प्लेक्सस आता है जो कि कॉलोन के डिस्टल सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं उनकी माइग्रेशन नहीं होती है, उसकी वजह से डेवलप होती हैं और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन होती है रेड जीन के अंदर। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है रेड जीन के अंदर, डिस्टल सेगमेंट ऑफ द कॉलोन के अंदर एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ऑर्बिक और मीजनस प्लेक्सस जो होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, लैक होता है गैंग्लियोनिक सेल्स के एंटेरिक नर्वस सिस्टम का डिस्टल सेगमेंट ऑफ द कॉलोन के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन डेवलप हो जाती है। इसको हर्शब्रंग डिजीज़ कहते हैं और इसकी कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड होती है और इसमें बच्चा जो है मिकोनियम पास नहीं करता, पहला स्टूल पास नहीं करता है। फीटस के अंदर दो अम्ब्लाइकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्ब्लाइकल वेन होती है। जो राइट अम्ब्लाइकल वेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, जो लेफ्ट अम्ब्लाइकल वेन होती है वो लिगामेंटम टीरीज बनाती है और जो अम्ब्लाइकल आर्टरीज होती हैं वो बाद में मीडियल अम्ब्लाइकल लिगमेंट बनाती हैं। आर्टरीज दो हैं और वेन एक होती है। वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर 80% ऑक्सीजन होती है। जो वाइटल एंड डक्ट होती है वो मैकल्स डायवर्टिकुलम का रेमिनेंट होती है और जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है ये ईलियम की का डिफेक्ट होता है। ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर मीजोडर्म से आता है, जो फोर्थ पाउच का डेरिवेटिव है दैट इज सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो सिक्स पाउच से आता है दैट इज इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो फोर्थ पाउच से आता है। यहाँ पर कहा था कि जो इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो सिक्स पाउच से नहीं, थर्ड पाउच से डिराइव्ड होता है इन्फीरियर वाला और फोर्थ से डिराइव्ड होता है सुपीरियर वाला। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो ऑप्टिक ग्रूव होता है ना वो बनता है 22 डेज के ऊपर, जो ऑप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो 28 डे के ऊपर बनते हैं और जो लेंस बनता है वो 30th डे के ऊपर बनता है। स्फिंक्टर पिपुलाई मसल, डायलेटर पिपुलाई मसल, ये सारे डेरिवेटिव होते हैं न्यूरो एक्टोडर्म के या एक्टोडर्म के। कोरियोनिक विलाई के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो कोरियोनिक प्लेट्स होती हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से डिराइव्ड होते हैं मिलानोसाइट्स। अब जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वो हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक की गैंग्लिया बनाते हैं, मिलानोसाइट्स बनाते हैं, एड्रिनल मेडुला के क्रोमोफिन सेल्स को बनाएंगे, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स बनाते हैं, पायर एक्नॉइड मैटर न्यूरोक्रेस्ट सेल से बनती है, शिवॉन सेल्स, एंडोकार्डियल कुशन भी न्यूरोक्रेस्ट सेल से बनते हैं।
जर्म सेल्स डिराइव्ड होते हैं एक्टोडर्म से, और न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। जो प्राइमोरियल जर्म सेल्स होते हैं ना, वो या तो एपिब्लास्ट से आएंगे, अगर एपिब्लास्ट नहीं दिया हुआ तो फिर आपने एक्टोडर्म करने, एक्टोडर्म नहीं दिया हुआ तो योक सैक एंडोडर्म से। यूट्राइन कैविटी ऑब्लिट्रेट हो जाती है डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराटाइलिस से। एरिथ्रोपोइसिस जो होती है ना मिडिल ट्राइमेस्टर के अंदर या फोर्थ मंथ के अंदर लिवर से होती है। जो एड्रिनल ग्लैंड का पैरेन्काइमा होता है वो रिलेटेड होता है मेसोथेलियम के साथ। एड्रिनल ग्लैंड का जो पैरेन्काइमा होता है वो मेसोथेलियम के साथ रिलेटेड, उसमें जो टाइट सेल्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड की पैरेन्काइमा के अंदर वो मेसोथेलियम से रिलेटेड होते हैं। मेसोथेलियम से रिलेटेड होते हैं एट्राइड सेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पैरेन्काइमा। यूरिनरी ब्लैडर का जो ट्राइगोन होता है वो मेसोडर्म से आता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर का ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है वो एंडोडर्म से आता है। अब एक न्यूबॉर्न था, उसकी लंबोसेक्रल स्वेलिंग है, उसमें मेनिंजीज है लेकिन कोई न्यूरल टिश्यू नहीं है, तो डायग्नोसिस क्या होगी? स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील। रथकीज पाउच डिराइव्ड होता है स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से, ठीक है। स्टोमोडियम तो फोरगट से रथकीज पाउच आता है, जो बाद में हमारे पास एंटी एपिजियोटी ग्लैंड बनाता है, और जो बक्कोफ्रिंजल मेम्ब्रेन होती है ना वो सेपरेट होती है फ्रॉम स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से। एक फीटस था वह बॉट हुआ और उसको आपने फ्रेंजिक लैब में भेजा, तो हम वायबिलिटी को फीटस कब तक वायबल था ये हमें कैसे पता चलेगा? जो फीटस की क्राउन रम्प लेंथ अगर 250 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हमें वायबिलिटी के बारे में बताएगा। फीटल क्राउन रम्प लेंथ अगर 250 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो वो वायबिलिटी के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल कनेक्टिव टिशू। जो एम्ब्रियोलॉजिकल कनेक्टिव टिशू, अब जो कनेक्टिव टिशू होता है ना वो बेसिकली हमारा क्या क्या होता है? मेसोडर्म होता है या फिर मेसेनकाइम होती है। अब एक चाइल्ड था, उसके यूरिन जो है ना उसकी एम्ब्लाइकस से आ रहा है, और डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि उसकी जो एलेंटॉइस है ना वो पेटेंट है। तो यूरेकल फिस्टूला जब होता है ना तो फिर उसमें क्या होता है कि एलेंटॉइस होती है वो यूरेकस बनाती है, और ल्यूमन पेटेंट है तो फिस्टूला बन जाएगा। पेटेंट यूरेकस जो है यूरेकल फिस्टूला बनाती है। जो मुलेरियन डक्ट होती है या फिर जो वॉल्फिन डक्ट होती है, जो आपकी पैरामेसोनेफ्रेट डक्ट होती है, ठीक है, जो मेसोनेफ्रेट डक्ट होती है ना वो वॉल्फिन डक्ट होती है, और जो पैरामेसोनेफ्रेट डक्ट होती है ना वो मुलेरियन डक्ट होती है। और ये अपेंडिक्स टेस्टिस बनाती है, जो कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है मेल्स के अंदर, ठीक है। मुलेरियन डक्ट जो होती है अपेंडिक्स टेस्टिस बनाती है। कॉमन मिडलाइन डिफॉर्मिटी जो होती है वो मिडलाइन क्लेफ्ट लिप है, ठीक है। मिडलाइन में क्लेफ्ट लिप जो होता है ना ये कॉमन मिडलाइन डिफॉर्मिटी है। मिडलाइन डिफॉर्मिटी सबसे ज़्यादा क्या होती है कि आपका जो दरमियान से जो लिप है ना वो क्लेफ्ट होगा। मिडलाइन क्लेफ्ट लिप जो होता है वो कॉमन मिडलाइन डिफॉर्मिटी होती है। एन्यूप्लॉयडी का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एब्रेशन से लाइक या तो मोनोसोमी है या फिर ट्राइसोमी है। एन्यूप्लॉयडी या तो मोनोसोमी को शो करती है या फिर ट्राइसोमी को शो करती है कि आपको जो न्यूमेरिकल एब्रेशन हैं। जर्मिनल सेल्स जो होते हैं वो 3 हफ्ते के अंदर माइग्रेट करते हैं फ्रॉम एक्टोडर्म से, ठीक है। जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो 3rd वीक के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं एक्टोडर्म से, और जर्मिनल सेल्स हमारे बनते भी है, जर्म सेल्स हमारे एक्टोडर्म से ही बनते हैं, तो 3rd वीक के अंदर माइग्रेट करते हैं जर्मिनल सेल्स होते हैं। अब लेफ्ट क्लेफ्ट पैलेट है क्योंकि मैलफॉर्मेशन होती है पैलेटाइन शेल्फ्स की। जो जब भी पैलेटाइन शेल्फ्स की वो होगी मैलफॉर्मेशन होगी तो क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हो जाता है। जो प्राइमोरियल जर्म सेल्स होते हैं वो एपिब्लास्ट से ड्राइव्ड होते हैं या फिर एक्टोडर्म से ड्राइव होंगे या फिर आपकी योक सैक की एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं, दैट इज प्राइमोरियल जर्म सेल्स। और थर्ड हमने पढ़ा वीक के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं एक्टोडर्म से। जो जर्म सेल्स होते हैं वो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो 3rd वीक के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, और ये एपिब्लास्ट से या एक्टोडर्म से या फिर योक सैक एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। अब 80-year-old मेल था, उसको वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसके एम्ब्लाइकस से, मतलब यूरिन आ रहा है, साथ उसके प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट भी है, साथ ही यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन भी है। उसका ट्रीटमेंट भी उसके लिए हुआ है, लेकिन डायग्नोसिस क्या होगा? उसका यूरेकस पेटेंट है, उसको जो है ना पेटेंट यूरेकस है, यूरेकल फिस्टूला डेवलप हो गया। अब 85-year-old मेल था, लोअर बैकेक हो रहा है, और लोअर बैक का डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया तो एक आउटग्रोथ हमें नजर आई है जिसमें टफ्ट ऑफ हेयर भी हैं L5 के लेवल के ऊपर, तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होगा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर आपको टफ्ट ऑफ हेयर नजर आते हैं और एक आउटग्रोथ होती है। एमनियोसेंटेसिस को हम जो 10th वीक से पहले नहीं करते हैं, एमनियोसेंटेसिस हम 15 वीक के ऊपर करते हैं। और स्पेस जो बनती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिप्लैंकनिक और सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन के दरमियान में, मिजोरम के दरमियान में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिप्लैंकनिक और सोमैटोप्लूरिक मिजोरम के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो डायनकेफलॉन से आता है। जो एंटीरियर लोब था वो आपके रथकीज पाउच से स्टोमोडियम मतलब फोरगट से रथकीज पाउच बनता है, वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी बनता है, और डायनकेफलॉन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो लोब होता है वो डिराइव्ड होता है। फ्रेंजल आर्च के जो डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें मसल ऑफ मास्टिकेशन आते हैं, जिसमें आपका मैसेडर मसल आ जाता है। जो फर्स्ट आर्च होती है वो मसल ऑफ मास्टिकेशन बनाती है। मसल ऑफ मास्टिकेशन के अंदर आपका टेम्पोरलिस आता है, मैसेडर आता है, लैटरल मीडियल टेरोगॉइड मसल आता है, और माइलोहियोइड मसल आता है। और जो फर्स्ट आर्च होती है वो एंटीरियर बेली ऑफ द रेगेस्ट्रिक बनाती है, टेंसर टिम्पनी बनाती है। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो होता है फर्स्ट आर्च से डिराइव होते हैं, टेंसिविलाई प्लैटिनी भी, टेंसिविलाई टिम्पनी और टेंसिविलाई प्लैटिनी जो होते हैं वो भी फर्स्ट आर्च से डेरिवेटिव होते हैं। मसल ऑफ मास्टिकेशन भी फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव है। जो सेकंड आर्च होती है वो मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बनाती है, स्टेपीडियस मसल को बनाती है, स्टाइलोहॉइड मसल को बनाती है, प्लैटिस्मा को बनाती है, पोस्टीरियर वैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक बनाती है। एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक जो होती है ना वो बनती है फर्स्ट आर्च से, ठीक है, और जो पोस्टीरियर वैली होती है डायगेस्ट्रिक की वो बनती है सेकंड आर्च से। जो थर्ड आर्च होती है वो स्टाइलोफ्रिंजस मसल बनाती है, और जो फोर्थ आर्च होती है वो हमारे फ्रिंजल कॉन्स्ट्रिक्टर्स बनाती है, और इसमें क्रीकोथायरॉइड बनाती है और
क्रिकोथायरॉयड बनाती है, लिवर प्लेटिनी बनाती है, 6 आर्च हमारे इंट्रेंसिक मसल ऑफ द लेरिंग्स बनाती है एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉयड, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टोडर्म होती है और जो एंडोडर्म होती है वो क्लोइकल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलती हैं। एक्टोडर्म एंडोडर्म आपस में मिल जाती हैं क्लोइकल मेम्ब्रेन के ऊपर। ह्यूमन प्लेसेंटा के अंदर जो है सेपरेट होता है व्हेन देयर इज अ रप्चर ऑफ मेनी यूट्राइन आर्टरीज, ठीक है, जब आपकी बहुत सारी यूट्राइन आर्टरीज रप्चर करती हैं तो ह्यूमन प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फ्रिंजल आर्च का डेरिवेटिव, दैट्स मायलोहियॉइड मसल। मायलोहियॉइड फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से आता है, साथ मसल ऑफ मास्टिकेशन भी फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से आते हैं, जिसमें आपका मैसेटर आता है, मिडिल टेरिकॉइड, लेटरल टेरिकॉइड और टेम्पोरालिस मसल आता है। जो पल्मनरी आर्टरीज होती हैं वो 6 आर्च से डिराइव होती हैं, पल्मनरी आर्टरीज 6 आर्च से डिराइव हो रही थी, और जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या डक्टस आर्टेरियोसिस था वो भी 6 आर्च से डिराइव हो रहा था। और जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है और जो आर्च ऑफ एओर्टा होती है वो 4 आर्च से डिराइव होती है। जो सेकेंड होती है उससे हमारे पास जो है फर्स्ट से हमारे पास आती है मैक्सिलरी आर्टरी और सेकंड से आती है स्टेपीडियल आर्टरी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एब्सेंस ऑफ लिम्ब है ड्यू टू द मैल फॉर्मेशन, मैल डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लिम्ब्स एब्सेंट हो जाते हैं जब आपकी लैटरल प्लेट मिजोरम का की मैल फॉर्मेशन होती है। लैटरल प्लेट मिजोरम जो थी ना वो इंटरम्ब्रियोनिक सीरोम भी बना रही थी, और लैटरल प्लेट मिजोरम का अगर जो मैल फॉर्मेशन होगा तो एब्सेंस ऑफ लिम्ब हो जाती है। जो स्कल और फेस की बोन्स होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आपकी फेस और स्कल की बोन्स को बनाते हैं, और जेस्टेशनल सैक को हम एमनियोटिक सैक भी कहते हैं। और स्पेस जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिप्लैंक्टिक और सोमैटोप्लियोरिटिक मेसोडर्म के दरमियान में होती है, उसको एक्सोसिलोमिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। अब एक 2016 पर दिया हुआ है कि कॉन्जेनिटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है, लाइसिनोप्रिल वलेरा था, सिस्टोलिक मर्मर है उसको, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ससेप्टेबल टू पेंसिलिन है, एंटीबायोटिक्स आर नेजिस्टिक जो हम पेंसिलिन के साथ देते हैं ताकि हम शॉर्टन कर सकें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को। तो ये बेसिकली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और इसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक को यूज़ करेंगे, जेंटामाइसिन को यूज़ करते हैं। और जेंटामाइसिन क्या करती है, जो राइबोसोमल 30 सबयूनिट उसके साथ बाइंड कर जाती है। जो एरोमेटेज होती है वो ग्रैनुलोजल सेल्स से सिक्योर होती है, जो ग्रैनुलोजल सेल्स थे वो कोरोना रेडिएटा भी बना रहे थे, और जो एरोमेटेज एंजाइम होती है वो भी ग्रैनुलोजल सेल्स से सिक्योर होती है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की जो माइलिनेशन होती है वो 36 वीक के ऊपर होती है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ड्यूरिंग 36 वीक कंप्लीट हो जाती है बर्थ के बाद या 2 ईयर्स के ऊपर कंप्लीट होती है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की जो माइलिनेशन होगी वो 36 वीक के ऊपर स्टार्ट होगी। हमने पढ़ा था कि 6 मंथ में जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन होती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन जो होती है वो 4th मंथ के अंदर होती है। अब यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होगा कि जो उसका लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस है वो फ्यूज नहीं किया हुआ है लेफ्ट मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ, क्योंकि लेफ्ट साइड का उसको क्लेफ्ट पैलेट है, तो लेफ्ट साइड का जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो लेफ्ट साइड के नेजल प्रोसेस के साथ फ्यूज नहीं किया है। जो मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होता है उसमें 2 मीडियल नेजल प्रोसेस की फ्यूज नहीं होती है, और जो यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप होता है उसमें आपका मीडियल नेजल प्रोसेस मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ फ्यूज नहीं करता है।